दोस्तों कार्टूनिस्ट राकेश रंजन जी द्वारा बनाया गया यह कार्टून है जो कि मणिपुर को लेकर है। अब इस कार्टून में पूरे 4 फ्रेम्स हैं। पहले फ्रेम में आप देख सकते हैं जो कि जून महीने का है, एक व्यक्ति मोदी जी की ऑफिस में आया हुआ है मोदी जी से मदद मांगने के लिए, और ये व्यक्ति जो है खुद में मणिपुर है। इसका सर देखिए आप, जल रहा है। तो ये मोदी जी के पास आया हुआ है लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है, साहब अमेरिका यात्रा पर हैं। तो ये मणिपुर उस वक्त तो वापस चला गया। फिर दूसरे फ्रेम में जुलाई मंथ में ये आया मोदी जी के पास उनसे मदद मांगने के लिए। दूसरी बार आवाज़ आती है अंदर सेक्रेटरी से मोदी जी के, साहब फ्रांस यात्रा पर हैं। फिर वापस चला गया मणिपुर, कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद अगले महीने फिर अगस्त ये मणिपुर मदद के लिए आया, और देखिए ये काफ़ी हद तक जल चुका है, सर जल रहा है, पीठ जल रही है, हाथ भी जल रहे हैं। उस वक्त भी मोदी जी नहीं थे, अंदर से आवाज़ आई, साहब साउथ अफ्रीका यात्रा पर गए हुए हैं। उस टाइम भी मणिपुर को कोई मदद नहीं मिली। फिर अगले महीने सितंबर में मणिपुर आया हुआ है जो कि ये पूरी तरह से जल रहा है, और उस वक्त भी अंदर से आवाज़ आ रही है, साहब चुनाव यात्रा पर गए हुए हैं। यानी जिस कदर मणिपुर के मुद्दे को मोदी जी द्वारा नेग्लेक्ट किया गया, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कार्टूनिस्ट ने। और ये मणिपुर का जो मुद्दा है वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है भाजपा के लिए अगले इलेक्शंस में। ये एक उदाहरण काफ़ी है मोदी की उस मानसिकता को समझने के लिए जो इस देश की बहन बेटियों के साथ महिलाओं के प्रति उसकी है। अगर महिलाओं का उसके दिलो दिमाग में सम्मान होता तो उस दिन महिला पहलवानों की पिटाई नहीं होती, उनके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होता, और उनके चेहरे पर पुलिस वालों द्वारा जूता नहीं रखा गया होता, जो पैर रखा गया है वो नहीं होता। इसी से समझ में आ जाती है, एक आप उन लोगों को बचा रहे हो जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ में खड़े हो, तुम्हारी पार्टी में वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और तो और अगर शर्म लिहाज होती मोदी को तो डूब मरना चाहिए था इस यमुना में जाके। मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, क्या किया मोदी ने उन लोगों के साथ, क्या किया? सरकार उसकी है ना, बीजेपी की सरकार है ना, क्या किया मुख्यमंत्री ने? और जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि तुम एक ही बता रहे हो, ऐसी तो 200, ऐसी तो यहाँ पे सैकड़ों वो हैं, और 200 से ज्यादा FIR हैं महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की, उनका शारीरिक शोषण और सेक्सुअल हरासमेंट की, अकेले मणिपुर में, ये उस समय तक थी, एक महीने पहली वाली बात, आज की तारीख में तो कहीं ज्यादा बढ़ गया होगा। अगर शर्म लिहाज होती और वाकई में महिलाओं को देना होता उनका हक, तो पहले मणिपुर की जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, उन अपराधियों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए था, तब होता है। इसलिए मैं कहता हूं उसके दांत कहने के कुछ हैं, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ हैं। और महिला सम्मान की बात कर रहे हो, मोदी की नजर में नहीं है इस देश के किसी भी व्यक्ति का सम्मान, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, सत्ता के लिए जीता है। अगर इस देश के लोगों का सम्मान उसकी नजर में होता तो जितना पैसा एक दिन में उस पर खर्च किया जाता है, 2.25 करोड़ उसकी सुरक्षा में खर्च होता है प्रतिदिन, और 43 करोड़ रुपया हर दिन मोदी के प्रचार में, विज्ञापनों में होता है। यानी 45 करोड़ से ज्यादा रुपया एक दिन में मोदी पर खर्च होता है। ईमानदारी से देश के लोगों की भलाई की बात होती तो 1000 रुपए प्रतिदिन अगर एक कर्मचारी को दिया जाए तो एक दिन में, यानी 45, जो 4.5 लाख लोग हैं उनको नौकरियां मिल सकती थी, उनको रोजगार मिल सकता था, उनका जीवन सुधर सकता था। 4.5 लाख लोगों का रोजगार छीन के एक प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा, अपने प्रचार, अपनी अय्याशी में खर्च कर रहा है, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात है। एक और बात सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उनको अच्छाई भी नहीं, नाराज आती है, ये इतना अच्छा बिल आया है, महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। ये कीड़े मकोड़े हैं जो मोदी के कहने पर टर टर करते हैं, IT सेल के जो है तनखैया कीड़े हैं ये, इनको अच्छे और बुरे का समझ ही नहीं है। ये जो अमित मालवीय है जो इनकी IT सेल का हेड है, इसी की पिछली वीडियो उठा के देख लो, ट्वीट कितने हैं इसके 2012 के आसपास के, ये खुद महिला आरक्षण का विरोध कर रहा था और अब ये कह रहे हैं कि इसमें अच्छा। अबे तुम पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम सारे के सारे विरोध कर रहे हो, उधर योगी विरोध कर रहा, उधर मालवीय विरोध कर रहा, ये सब विरोध कर रहे, और इतने पहले बीजेपी वो कांग्रेस लेके आई तब क्यों नहीं इसको पास करवाया था, तब क्या दिक्कत थी? और अगर आप दे रहे हो तो न्याय क्यों नहीं करते हो पूरी तरह से सबके साथ में? लेकिन न्याय करना तुम्हारे खून में शामिल नहीं है, अन्याय करना ही तुम्हारी रगों में बहता है। लास्ट सवाल है, कैसे देखते हैं जिन जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, जिन पर सोशल हरासमेंट के चार्ज लगे, FIR दर्ज हैं, वो संसद में और विधानसभाओं में बैठे, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसे कैसे देखते हैं? सरकार बचा रही है उन्हें, कार्रवाई कैसे होगी भाई? सरकार ये, और मोदी सरकार
बीजेपी सरकार वर्तमान में ये तो गुंडों को पालने वाली सरकार है। आप बताइए जितने भी अपराधी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बीजेपी में आ जाओ, सब काम सब सारे उनके, कुलदीप सेंगर हो या कोई भी हो, एक नहीं एक नाम कह लो, कितने ही लोग हैं जो बलात्कार के, हत्या के, महिलाओं का शोषण करने में कितने लोग शामिल हैं। अगर होता तो ये वीरेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री जो मणिपुर का, इसे सूली पर नहीं टांग देना चाहिए था, जो इसके होते हुए और वो जिस तरह से वहां ड्रग्स के धंधे में शामिल है, ड्रग्स के धंधे में, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वहां की पूरी जो खोज करके जो एक पत्रकार ने दी है, ड्रग्स के धंधे में वहां का मुख्यमंत्री शामिल है, सूली पर नहीं चढ़ा देना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री कुछ किया, बचा रहे उसको? अरे देश किधर जा रहा, गर्क में जा रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। ये देख रहे हो ना मजदूर, ये सारे मजदूर क्या कर रहे हैं, मजदूर आप इसी से पता लगा लो, दिल्ली में लाखों की संख्या में ये मजदूर है। आज इनकी यही मीटिंग थी कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, इनको इनका हक दिया जाए। 15-15, 20-20 साल से हैं ये लोग, आज भी डेली वेजेस पे हैं, मिनिमम वेज इनको नहीं मिला, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली, तो देश कहां जा रहा, गर्क में जा रहा है देश? में तो बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसीलिए संघर्ष करने के लिए सारे के सारे साथी हैं। तो इन लोगों से पूछो ना, 4-4 महीने, 5-5 महीने इनको तनख्वाह नहीं मिलती और प्रधानमंत्री की एक दिन पे 45 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं, इससे ज्यादा डूब मरने वाली क्या बात। इन सबकी जो तनख्वाह है, जितने मजदूर आज की तारीख में दिल्ली में सड़क पर है, इन मजदूरों की जितनी तनख्वाह मिलती है, बनती है एक महीने की, वो प्रधानमंत्री के एक दिन के खर्च में उसमें भी बच जाएंगे पैसे, इतने पैसे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं 24 के लिए मैसेज क्या होगा? 24 के लिए मैसेज है, हर तरह से इकट्ठे होके बीजेपी को हराने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कमर कस लो। और मैं तो सबसे यही कहूंगा, आप सब कर रहे हो लेकिन बीजेपी को उखाड़ने के लिए ईवीएम को उखाड़ना जरूरी है। इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दो, ईवीएम उखड़ेगी तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, मोदी को उखाड़ फेंक पाएंगे। ईवीएम रहेगी, मोदी को नहीं हरा सकते हैं, मोदी ईवीएम से ही जीत के आ रहा है साथियों। इसलिए मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जन आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा और जब ये सरकार जाएगी तभी देश का भला हो सकेगा। आप बताइए भारत में इस मोदी से पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, क्या किसी प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर 45 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च किए हैं? बताइए आप, 8,500 करोड़ का ये जहाज लेके आया है। अबे इस देश में पहले भी प्रधानमंत्री है, एयरफोर्स का जहाज होता था, सब घूमते थे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आई? इससे क्या दिक्कत? अमेरिका का राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में घूमता है, उससे भी आज की तारीख में देश में जितना इस पर पैसा खर्च होता है दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री पर खर्च नहीं होता। और देश आज की तारीख में गरीब है, जहां 120 करोड़ लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।